पहुँचे हैं बापू के समाधि स्थली राजघाट पे और उन्हें वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ पर इस मौके पर हमेशा की तरह एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सभी धर्मों के अगुआ इस वक्त गांधी जी के विचारों को प्रतिपादित कर रहे हैं। गांधी जी की यही सोच थी कि भारत पूरा सभी मिल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सकें। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं और राजघाट पे वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके सोच के, उनके विचार को, उनके दर्शन को, उनके मान्यताओं को एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शो यशः भवन्ति भावा भूतानां मद्दैव पृथग्विधाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकयिमाः प्रजाः। सात महर्षि जन, चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधाः भावसमन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गांधी विचार। I believe in all the great prophets and saints of every religion. I shall continue to ask God to give me the strength not to be angry with my accusers, but to be prepared even to die at their hands without wishing them ill. I claim that Hinduism is all inclusive. Religion can be defended only by the purity of its adherents and their good deeds, never by their quarrels with those of other faiths. For God-fearing men, all religions are good and equal. Only the followers of different religions quarrel with one another and thereby deny their respective religions. The essence of true religious teachings is that one should serve and befriend all. I learned this in my mother's lap.
Free India will be no Hindu Raj. It will be India Raj. Based on the majority of any religious sect or community, but on the representatives of the whole people without distinct of religion. मैं सभी धर्मों के महान संतों और पैगंबरों में विश्वास करता हूँ. मैं ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे ताकि मैं उनके प्रति क्रोध ना रखूँ जो मुझे गाली देते हैं, बल्कि उनका भी अहित ना सोचते हुए उनके ही हाथों मरने को तैयार रहूँ. मैं दावा करता हूँ कि हिंदुत्व सबका समावेश करने वाला है. धर्म की रक्षा उसके अनुयायियों के नेक कामों और उनकी पवित्रता शुद्धता के द्वारा ही की जा सकती है. अन्य धर्मावलंबियों से झगड़ा करके कतई नहीं की जा सकती. जो ईश्वर में आस्था रखते हैं उनके लिए सभी धर्म समान और अच्छे हैं. विभिन्न धर्मों के मानने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो वह अपने अपने धर्म की ही अवहेलना करते हैं. सब धर्मों का सार यही है कि इंसान सबों की सेवा करे और सबके साथ दोस्ती करे. मैंने यह अपनी माँ की गोद में सीखा है. स्वतंत्र भारत हिंदू राज नहीं होगा, भारतीय राज होगा, जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर आधारित नहीं होगा, बल्कि धर्मों में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी लोगों के प्रतिनिधियों का राज होगा. Yeah.
Bye.